डीडी कॉलोनी के नजदीक होटल के कमरे से अज्ञात व्यक्ति द्वारा लैपटॉप चोरी करने का मामला सामने आया था। थाना शहर थानेसर पुलिस ने भुक्तभोगी की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। CID2 पुलिस टीम ने इस वारदात की पर्दे खोलते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ निवासी गुलजार अहमद ने शिकायत में कहा था कि वह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहा है। पिछले समय कुरुक्षेत्र में डीडी कॉलोनी स्थित होटल में कमरा लेकर रह रहा था। होटल में पार्टी चल रही थी, वह नीचे था। इस दौरान एक व्यक्ति आया था जिसने होटल वालों को लड़ियां ठीक करने वाला बताया था। मौका देखकर उसके उस कमरे में दाखिल होकर लैपटॉप नकदी कागजात भरा पर्स चोरी कर लिया था। जब वह कमरे में गया तभी उसे कमरे से सामान चोरी होने का पता लगा। नामालूम व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच पुलिस कप्तान द्वारा CID2 को सौंपी गई थी। प्रभारी मलकीत सिंह ने जांच ASI सतनाम सिंह, हेड कांस्टेबल ललित लखन सिंह, सिपाही सतीश की टीम गठित कर सौंपी थी। पुलिस टीम ने मामले की परतें खोलने को लेकर गहनता से जांच करते हुए घटनास्थल का मुआयना किया, अहम सबूत हासिल किए। चोरी करने वाले आरोपी का सुराग हाथ लग गया। CID2 की इस टीम ने छापामारी करते हुए होटल के कमरे से सामान चुराने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया। भनक लगते ही जाल बिछाकर गांव रतकल के रहने वाले युवक राहुल पुत्र ईश्वर को काबू कर लिया। पुलिस की पूछताछ पर बताया कि वह मौका देखकर होटल में गया था, उसी ने ही कमरे में रखे लैपटॉप के साथ पर्स भी चुराया था। आरोपी की निशानदेही पर चोरी शुदा संपत्ति बरामद कर ली गई है। क्या कहना है भुक्तभोगी? मैं यहाँ होटल प्राइड 24 डीडी कॉलोनी कुरुक्षेत्र में जॉब करता हूँ। IT में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और करीब 2020 में अक्टूबर में 8 तारीख को मेरा लैपटॉप चोरी हो गया था। 7 तारीख को पार्टी थी तो सब ज़्यादा लोग थे होटल में। 8 तारीख को उसी का फ़ायदा उठा के होटल में ये शख्स घुसा और इसने लैपटॉप उठाया और वहाँ से भाग गया। आपने मामला दर्ज कराया था? हाँ, मैंने FIR दर्ज कराई थी। आपका सामान मिल गया? हाँ। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।